हेल्प करती हैं यानी हेल्प करेंगी एक्सक्रीटरी में या रिप्रोडक्शन में एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं एंड ये एक सक्सेसिव uh, सिगमेंट होती है यानी रिपीटेड सक्सेसिव सिगमेंट होती हैं सो दीज ट्यूब्स सर्व टू कन्वे द एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट फ्रॉम सिलोम टू द एक्सटीरियर तो ये जो ये ट्यूब्स होती हैं ये सर्व करती हैं जो भी एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट होता है उसको फ्रॉम सिलोम टू एक्सटीरियर यानी बाहर उसको uh, प्रोडक्ट को कन्वे करती हैं सो सिगमेंटल ऑर्गन्स आर प्राइमरली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स जो एनिलिड्स में होता है सिगमेंट सिगमेंटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं तो फर्स्ट जो होता है उसको हम सिलोमोडक्ट्स कहते हैं सो फर्स्ट इज आपका सिलोमोडक्ट्स और ये जो सिलोमोडक्ट्स होता है ड्राइव फ्रॉम मीज़ोडर्म यानी मीजोडर्मल ओरिजिन होता है इसका एंड सेकेंड आपका नेफ्रीडिया होता है ये नफ्रीडिया इम्पॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में आते भी हैं सो so, नफ्रीडिया जो होता है ये इसका ओरिजिन जो होता है एक्टोडर्म से होता है यानी एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल सो फर्स्ट आपका है सिलोमोडक्ट होता है सिलोमोडक्ट्स क्या होता है उसको देखते हैं और सिलोमो आर सिलोमोडक्ट्स आर नॉर्मली वाइड ट्यूब्स होती हैं एंड मिजोडर्मल ओरिजिन होता है ये ट्यूब आपकी वाइड होती हैं यानी इस तरीके से आप देखेंगे आपका अगर किसी भी इस तरीके से वाइड ट्यूब होती हैं और इस तरीके से बनी होंगी तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड मिजोडर्बन ओरिजिन होता है एंड डेवलप एज अ इवेजिनेशन फ्रॉम सिलोम टू द एक्सटीरियर आपका इवेजन ईवेजिनेशन होता है जिस तरीके से ये आपका मान लीजिए इधर सिलोम आपका ये पोर्शन सब सिलोम है यहाँ से आपका इमेजिनेशन होता है इस तरीके से ट्यूब बनेंगे ये स्ट्रक्चर इस तरीके से मैं आपको रफ़ली बता रही हूँ आगे मैंने पिक्चर पेस्ट किया है उसको हम देखेंगे तो इस तरीके से आप ये ट्यूब बना सकते हैं इस तरीके से ट्यूब होते हैं और इस तरीके से ट्यूब होता है ठीक है तो ये आपका सिलोम होता है तो ये जो ये ये एक्सटीरियर होता है ये आपका सिलोम वाला पोर्शन होता है इधर का जो पोर्शन ये सिलोम होता है और इधर एक्सटीरियर होता है तो इसको कहते हैं और यहाँ पे एक होल होता है या पोर होता है जिसको कहते हैं जिसे हम जेनाइटल पोर कहते हैं वो भी इसमें हम मैंने लिखा है आप पढ़िए इसको सो अ सिलोमो डक्ट ओपन टू द एक्सटीरियर बाय अ जेनाइटल पोर जो मैंने आपको नीचे वाला सेक्शन बताया था वो आपका वो आपका क्या होता है जिस तरीके से मैंने अभी आपको बना के बताया था मैं आपको रफली बता रही हूँ इधर मैं इस तरीके से मैंने बनाया था तो जो ये आपका पोर है ये वाला इसको जो एक्सटीरियर पोर कहते हैं जो कि आपका जेनाइटल डक्ट uh, होता है क्या होता है जेनाइटल पोर होता है सॉरी जेनाइटल पोर होता है और ये जो सिलोम में ओपन होता है एंड इनटू टू सिलोम बाई अ लार्ज सिलेटेड फनल कर्ल सिलोमोस्टोम्स तो इस ओपनिंग को क्या कहते हैं सिलोमोस्टोम कहते हैं क्या कहते हैं ये वाली ओपनिंग जो ओपन है इसको सिलोमोस्टोम कहते हैं आगे मैं डिटेल में आपको बताऊँगी तो सिलोमोडक्ट्स प्राइमरली फंक्शन एज अ गोनोडक्ट्स एंड आई आर कॉन्फाइंड टू वनली अ फ्यू रिप्रोडक्टिव सेगमेंट्स और इसका जो प्राइमरी फंक्शन जो होता है ये एज अ uh, गोनोडक्ट की तरफ फंक्शन करता है ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है रिप्रोडक्शन ट्यूब है ये एंड इन ओलिगो किट ओलिगो किट्स जो होते हैं लाइक अर्थवाम द रिप्रोडक्टिव फनल्स एंड ड बहुत मेल एंड फीमेल आ सिलोमोडक्ट तो जो रिप्रोडक्टिव डक होता है डक्ट होता है वो आपका सिलोमोडक्ट ही होता है किसमें अर्थ में सो नेक्स्ट so, आपका है हाउ एवर इन सम फॉर्म्स द सिलोमोडक्ट में बी सेकेंडरी फंक्शन एज एक्सट्रीटरी ऑर्गन इन सम केसेस क्या होता है कि जो जो एनेलिड्स हैं उनमें क्या होता है कि एक्सट्रीटरी uh, ऑर्गन की तरह फंक्शन भी करता है एज अ प्राइमरी फंक्शन जो है इसका एक्स्रेशन में हेल्प करता है लेकिन इन सम केसेस ये इसका का जो फंक्शन होता है एक्सक्रीटरी प्राइमरी फंक्शन तो इसका रिप्रोडक्शन में होता है जनाइट जना, जना गोनोडक्ट्स की तरह काम करता है लेकिन सेकेंडरी जो इसका फंक्शन होता है वो एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह भी होता है बहुत कम होता है तो ये आपका ये होता है आपका स्लोमोडक्ट्स नेक्स्ट आपका जो होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ नेफ्रीडिया नैफ्रीडिया क्या होता है नेफ्रीडिया आर ऑल्सो सिगमेंटली ऑरेंज क्वाइल ट्यूब्स एंड एक्टोडर्मल ओरिजन होता है जो आपका सिलोमो रक्त था उसका मिजोडर्मल ओरिजन था इसका जो इम्पोर्टेंट है ये एक्टोडर्मल ओरिजन होता है एंड डेवलप एज इन इन्मेजिनेशन फ्रॉम एक्टोडर्म सिलोम इसका जो इमेजिनेशन होता है वो आपको पता है एक्टोडर्म सिलोम होता है फ्रॉम एक्टोडर्म टू सिलोम और दे कम्युनिकेट विद एक्सटीरियर थ्रू अ नेफरेडियो पोर्स जिस तरीके से मैंने आपका स्ट्रक्चर बनाया था जिस तरीके से मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया था तो उसको सिलोमोडक्ट बोलते थे तो जो नीचे वाला पोर था जो एक्सटीरियर ओपन होता था उसको हमने क्या बोला था जेनाइटल पोर बोलते हैं लेकिन इसमें जो ओपनिंग होती है पोर होता है उसको नफरीडियो पोर कहते हैं एंड इंटरली द मे बी एंड ब्लाइंडली जिसे uh, हमने देखा था सिलोमोडक्ट्स ओपन होता है लेकिन ये आपका या तो इस तरीके से भी हो सकता है इस तरीके से ये वाले ओपनिंग को क्या कहते हैं इसको हम नेफ्रीडियो पोर कहते हैं और अगर कभी कभी ये ब्लाइंडली यानी इसको कहा जा रहा है कि एंड जो सेकेंड एंड होता है या सिलों में जो होता है इसकी ओपनिंग ये क्लोज्ड होती है तो इसको प्रो, प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं ठीक है और इसको लेकिन क्या होता है इन सम केसेस अगर ये इसको प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है लेकिन अगर ये ओपनिंग ये उप, ऐसे हो मतलब अभी जो ऐसे था अब क्या हो ये जो ओपनिंग हो इस तरीके से इसका हो ये हम नफरीडिया की बात कर रहे हैं तो ये वाला तो इसका नफर नफ, नफरीडियो पोर होता है क्या होता है नफरीडियो पोर होता है इसको कहते हैं एंड नेफ्रोडोपोर uh, होता है आपका और ये जब ये ओपन होता है पहले तो क्लोज था तो उसको प्रोटोनाफ्रीडिया कह रहे थे अब ये क्या है ओपन है तब इसको क्या कहते हैं मेटानफ्रीडिया कहते हैं और इस ओपनिंग को नेफ्रोस्टोम कहते हैं क्या कहते हैं नेफ्रोस्टोम सो इसको देख लेते हैं तो इंडली uh, दे में इंड ब्लाइंडली तो प्रोटोनफ्रीडिया कहलाता है और मैं ओपन स्मॉल रिलेटेड फनल और नैफ्रोस्टोम कहते हैं इंसिलोम जो मेटानफ्रीडिया कहलाता है तो नेफ्रोस्टोम्स में ओपन इन टू सिलोम ऑफ सेम सिगमेंट इन विच द नेफ्रीडिया लाइ एंड नेक्स्ट है आपका जो uh, नेफ्रीडिया आर प्राइमरी एक्सक्रीटरी इन फंक्शन जो इसका फंक्शन होता है नेफ्रीडियल ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये एज अ एक्सक्रीटरी ट्यूब की तरह काम करते हैं एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं बट मे सेकेंड्रीली सर्व टू कन्वे जेनाइटल प्रोडक्ट टू द एक्सटीरियर लेकिन इसमें भी क्या होता है इनका जो सेकेंडरी फंक्शन हो सकता है मतलब जो लेस फंक्शन जो है इनका वो है एक्सक्रीशन यानी जेनाइटल जो जेनाइटल प्रोडक्ट होते हैं उसको भी बाहर ले जाने का काम कर सकते हैं तो पॉलिकिट्स जो होते हैं एक्सक्रीटरी आइदर प्रोटोनफ्रीडिया और मेटानफ्रीडिया होते हैं यानी या तो प्रोटोनफ्रीडिया होगा या जो सिलोम में क्लोज होता है या तो फिर ओपन होगा जिसमें आपका नेफ्रोस्टोम भी होता है तो दोनों टाइप के हो सकते हैं तो ज़रूर है कि मतलब कुछ टाइप के मतलब दोनों में से एक ही होगा तो जो आपका फर्स्ट टाइप ऑफ नफरीडिया है दैट इज़ प्रोटोनफ्रीडिया तो द क्लोज और प्रोटोनफ्रीडियम सीम्स टू बी मोर ऑफ द प्रेमेटिव टाइप जो आपका क्लोज्ड वाला जो आपका सिलोम में ओपनिंग होती है वो क्लोज होती है तो उसको प्रोटोनफ्रीडिया कहते हैं एंड ये मोस्ट प्रेमेटिव टाइप ऑफ नेफ्रीडिया होता है एंड इट टर्मिनेट्स इन द सिलोम एज अ ब्लाइंड ट्यूब की तरह काम बंद होता है द क्लोज एंड और अदर पार्ट ऑफ़ द ट्यूब आर प्रोवाइडेड विद स्पेशाइज एक्सक्रिटी ट्यूब सेल्स और सोलने कहते हैं सोलने बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके ट्यूब सेल्स होती हैं जब ये आपका इस तरीके से बनाया जाएगा तो ये वाला जो पोर्सन है ये तो सिलोम में ओपनिंग है तो यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं ट्यूब सेल्स होती हैं या तो ग्रुप में हो सकती हैं या सिंगल भी हो सकती हैं इन सेल्स को ही कहते हैं इन स्ट्रक्चर को ही सोलने साइड्स कहते हैं और ये आपके फ्लेम सेल के जैसी होती हैं जैसे प्लेटी हेलमेंथीज होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स होते हैं उसी तरीके से हो सकते हैं एंड ये ग्रुप में भी हो सकते हैं और या फिर और सिंगल भी, भी हो सकते हैं और ये क्या ऐसी प्रोटोनफ्रीडिया से कनेक्टेड होते हैं ये आपका प्रोटोनफ्रीडिया इसी से कनेक्टेड होते हैं और ये नीचे का आपका जो प्रोर होता, नफ, होता है आपका प्रोटोनफ्रीडियो पोर कहते हैं या नफरीडियो पोर होता है आपका ठीक है तो इसी में ओपनिंग होती है ये प्रोटोनफ्रीडियम है आपका और ये नफरीडियो पोर होता है ये जो ओपनिंग है नफरीडियो पोर ये आपका सोनले साइड्स होती हैं जो कि ट्यूब सेल्स कहते हैं जिन्हें और आपके ये आपके नफ्रीडियम से कनेक्टेड होती हैं ये थिन ट्यूब की ट्यूब से ठीक है जो एक्सक्रीटेड फ्लूड होते हैं एंटर्स थ्रू द वॉल्स ऑफ द नेफ्रीडियल ट्यूबुल्स विच आर इंटरली सिलेटेड होते हैं एंड दिस फ्लूड इज डाइवेंडिंग टू द ल्यूमिन ऑफ नेफ्रीडियम बाई फ्लैजम फोर्स टू द एक्सटीरियर थ्रू द नेफ्रीडियम जो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होती हैं इन ट्यूबुल्स के सर्फेस पे सर्फेस के थ्रू ल्यूमिन में जाती है वहाँ से ये नेफ्रीडियम फोर के थ्रू आपके फोर्स uh, मतलब फ्लैजलम से फोर्स करके आपके एक्सटीरियर बाहर लाया जाता है आपका नेफ्रीडियो पोर के थ्रू बाहर आते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल है जो प्रोटोन एफ्रीडिया पाया जाता है वैनाडिस में पाया जाता है एंड फाइलोडोस में ग्लिसरा में पाया जाता है नेफ्थीस एक्सेट्रा ठीक है ये ऑप्शन इसके हैं कि इसमें इसमें पाए जाते हैं सो सेकेंड इज़ आपका मेटा होता है एंड मेटा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपका ओपन होता है जो इसकी जो सिलोम में ओपनिंग होती है दैट इज़ इस तरीके से आपकी होती है तो ये वाला आपका होता है एंड ये आपका नफरीडियो पोर होता है ये आपका मेटा uh, नफ uh, ये आपका ये आपका क्या हो जाएगा ओपन uh, होता है और ये इस टाइप के होते हैं ठीक है ये आपका मेटा होता है और इसी तरीके से आपका मेटा का स्ट्रक्चर है एंड और ये ओपन होता है सिलोम में ये क्लोज नहीं होता है इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसमें ये पाया जाता है इसमें सोलने साइड्स नहीं होती हैं सोलने साइड्स की जगह जो ये ओपनिंग है यहाँ पे नहीं है यहाँ पे क्या होता है नेफ्रोस्टोम कहते हैं इस ओपनिंग को नेफ्रोस्टोम कहते हैं जो सिलोम में होता है एंड uh, इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसमें पाया जाता है लाइक like, होल्गो किट्स में पाया जाता है हीरोडीनिया में पाया जाता है या लिचेज में पाया जाता है इंस्टीट ऑफ सोलर साइट द इनर एंड ऑफ मेटा नफ्रीडिया ओपनस इन टू द सिलोंग इज सिलेटेड फनल और नेफ्रोस्टोम होता है जो ओपनिंग होती है सिलेटेड होती है एंड द अदर एंड ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू नेफ्रीडियो पोर होता है जब जहाँ से ओपनिंग होती है जो एक्सटीटरी पोर होता है जो मेटा नफ्रीडिया होता है स्टिल जो दोनों एंड पे ओपन होता है किस टाइप में पाया जाता है वो नेरिस में पाया जाता है जो जिस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था इस तरीके से ये वाला पोर होता है और ये इधर आपका होता है ठीक है ये आपका नेफ्रोस्टोम होता है ये आपका नेफ्रेडियो पोर होता है ठीक है तो ये इस टाइप की जो होती है ये नरिस में पाई जाती है और अरा, 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 में क्या होता है यूजली पजेज वन पेयर ऑफ नफ्रीडिया विच में भी प्रोटोनफ्रीडिया और मेटा नफ्रीडिया हो सकता है आर्किनिड्स में कह सकते हैं या आर्किनेलिडा में कह सकते हैं कि दोनों में से एक हो सकता है नेक्स्ट है आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वेस्ट बेसिकली एनीलिट्स में अमोनिया होता है एंड डिफ्यूज फ्रॉम सिलोमिक फ्लूड और ब्लड इन टू द ल्यूमेन ऑफ नेफ्रीडियल ट्यूबुल्स के ल्यूमेन में जाता है एंड डिस्चार्ज आउटसाइड थ्रू द नेफ्रीडियो पोर के थ्रू जो पोर होता है आपका एक्सटीरियर पोर इधर होता है यहाँ से ये वाले पोर से इस तरीके से इसी पोए से क्या होता है ये जो अमोनिया होता है निकलता है डिस्चार्ज होता है सो so, नेक्स्ट आपका कुछ और भी इम्पॉर्टेंट ट्यूब्स हैं जो इसी के नेफ्रीडिया का ही टाइप है बता रहा है कि माइक्रोमेगा होता है माइक्रोमेगा के इस साइज़ के बेस पे या नंबर के बेस पे डिवाइड किया गया है तो नेफ्रीडिया में भी uh, माइक्रो और मेगा नेफ्रीडिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड नंबर के बेस पे तो माइक्रो नेफ्रीडिया क्या होता है जिसे हम मे मेरो नेफ्रीडिया भी कह सकते हैं आर स्मॉलर इन साइज़ एंड ऑल द नेफ्रीडिया ऑफ फेरिटिमा यानी अर्थ फॉर्म एंड आर माइक्रो नेफ्रीडिया होते हैं एंड मेगा नेफ्रीडिया क्या होता है मेगा नेफ्रीडिया इज इज़लो नोन एज होलो नेफ्रीडिया एंड आर लार्जर इन साइज दे आर फाउंड इन पोलिकिटा एंड हीरोडीनिया यानी लिसज में पाया जाता है नेक्स्ट है आपका एक्जो एंड एंट्रो नेफ्रीडिया एंड दीज आर नई नाम से ही समझ आ रहा है एक्जो एंड एंट्रो uh, तो एंट्रो नेफ्रीडिया आर टर्म एक्जो नेफ्रिक जिसे वी कैन कॉल एक्टो नेफ्रिक वेन दे आर डायरेक्टली ओपन टू द एक्सटीरियर थ्रू द नेफ्रीडियो पोर सच एज मेगा नेफ्रीडिया ऑफ नेरिस बोलते हैं जब ये डायरेक्टली जो एक्सटीरियर्स पे ओपन होती हैं uh, जब इनको एक्जो या एंट्रोनेफ एक्जो या um, एक्टोनेफ्रिक कहते हैं जब ये ज, ये डायरेक्टली जो होते हैं नफरो नफ्रो नफरीडियो पोर के थ्रू एक्सटीरियर पे ओपन होती हैं तब ये आपकी एक्जो होती हैं लेकिन क्या होता है दे आर टर्म एंड्रोनेफ्रिक व्हेन दे लैक नफ्रीडियो पोर नहीं पाया जाता है तब ये क्या होती हैं आपकी इंडो एंडोनेफ्रिक होती हैं ठीक है एंड ओपन इन टू द एक्सटीरियर थ्रू कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल एज अ सेप्टल की तरह खुलती हैं तो ये फेरेटिमा का जो है फरेंजल नेफ्रीडिया ऑफ फेरेटिमा इसका एग्जाम्पल है नेक्स्ट है आपका नेफ्रोमिक्जिया ये इंपॉर्टेंट है नेफ्रोमिक्जिया क्या होता है इन ओलिगोकिटा हिरुडीनिया एंड मोर प्रेमेटिव पोलिकट्स में क्या होता है नेफ्रीडिया एंड सिलोमो सिलोमोडक्ट आर सेपरेट कुछ कुछ में सेपरेट होता है लेकिन जब कंडीशन क्या होती है इन सम सिलोमो डक्ट्स डू नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट बट बिकम फ्यूज्ड पार्सिली और होली विद नेफ्रीडिया फॉर्मिंग कंपाउंड सिगमेंट ऑर्गन और नफ्रीडियो अभी क्या होता है दोनों जब सिगमेंट यानी आपका एक तो होता है इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो आपका एक होता है सिलोमोडक्ट्स दोनों साथ में ही होंगे तो ये आपका जनाइडा पोर होता है और साथ में ही आपका क्या होता है अगर मैं यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया बनाऊँ यहाँ भी आपका होल होगा दैट इज़ आपका नेफ्रोडियो पोर होता है और ये आपका प्रोटोनेफ्रिडिया है लेकिन क्या होता है जब ये दोनों आपस में आ, सेपरेट ना होकर इस तरीके से ना होकर आपस में फ्यूज़ होती हैं यूनाइटेड या या हो जाती हैं तब इस कंडीशन को क्या कहते हैं प्रोटो नेफ्रोमिक्गिया कहते हैं दिक कंजिस्ट बॉथ ऑफ एक्टोडव एम मेजोडव एंड यूज बॉल जेनाइटल एज वेल एज एक्सक्रीट रिडक्ट जब दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाती हैं तो सिलोमोडक्ट्स क्या होता है सिलोमोडक्ट आपका जेनाइटल की उसमें रिप्रोडक्शन में रिपोडक्ट रिप्रोडक्टिव ट्यूब की तरह काम करता है और आपका नफ्रीडिया एज एक्सक्रीटरी ट्यूब की तरह काम करता है जब दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी सेपरेट नहीं होती है तब ये कंडीशन क्या होती है तो उसमें दोनों फंक्शन होता है दोनों काम करता है तब इसमें एक्जोडर्म और मीज़ोडर्मल दोनों आ, होते हैं दोनों कंडीशन होती है एक्टोडर्म और मीजोडर्म क्योंकि ओरिजिन दोनों में दो, आ, दोनों का ओरिजिन जो होता है एक का एक्टोडर्मल होता है एक का मीजोडर्मल ओरिजिन होता है तो इसमें भी अलग अलग टाइप है जब टाइप है जब आपका प्रोटोनाफ्रीडिया और मिटानफ्रीडिया फ्यूज़ होते हैं आपके सिलोमोडक्ट के साथ क्योंकि हमने नफ्रीडिया के अलग अलग टाइप्स पढ़े थे तो पहला जो कंडीशन है इसमें प्रोटोनफ्रोमिक्जियम क्या होता है जब सिलोमोडक्ट इज़ विद विोटोनाफ्रीडिया जब आपका प्रोटोनफ्रीडियम जो होता है आपका यूनाइटेड हो जाता है विद uh, सलोमोडक्ट तब ये कंडीशन होती है तो कैसे हो सकती है यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग आपको दिखाऊँ ये कंडीशन यहाँ देखिए ये कंडीशन आपकी पॉली यहाँ पे ये फाइलोडोस होता है ये इसको थोड़ा मिस्टेक है आई थिंक ये फाइलोडोस है आपका स्पेलिंग ये है फाइलोडोस ओके फाइलोडोस में होता है ये कंडीशन यहाँ पे बता रहा है कि प्रोटो नेफ्रोमिक्जियम कब होता है जब आपका ये सिलोमोडक्ट ये स्ट्रक्चर सिलोमोडक्ट है एंड इसको थोड़ा जूम करते हैं ठीक है थीके? ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये वाला इसको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये अलग होता तो ये क्या होता है ये सिलोमोडक्ट था लेकिन अभी ये फ्यूज़ हो गया इसलिए तो इसको कह रहे हैं प्रोटोनफ्रोमेगजियम ठीक है लेकिन अभी ये देखिए दोनों ये वाला प्रोटोनफ्रीडिया है प्रोटोनफ्रीडिया आपको बताया था क्लोज इंड होता है जब ये सिलोम में ओपनिंग होती है अगर मेटा होता तो ये क्लोज नहीं होता ठीक है लेकिन ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये वाला स्ट्रक्चर इसको आपको मिजोडर्मल ओरिजन होता है आपका सिलोमोडक्ट का और ये आपका एक्टोडर्मल प्रोटोनफ्रीडिया है ये आपका प्रोटोनफ्रीडियम है जब ये दोनों आपस में फ्यूज यूनाइटेड हो जाती हैं तो ये कंडीशन होती है और यहाँ पे जो ये पोर है ये दोनों पोर ये एक्सट्रीटरी पोर और जेनाइटल पोर की तरह काम कर रहा है तो इस कंडीशन को क्या कह रहे हैं इस कंडीशन को ही हम कह रहे हैं प्रोटोनफ्रोमिक्जियम यानी ये फाइलोडोस में पाया जाता है इसको करेक्ट कर लीजिएगा फाइलोडोस में पाया जाता है आई होप ये क्लियर हो गया होगा चलिए नेक्स्ट कर बात करते हैं आपका मेटा की मेटा की बात करते हैं मेटा क्या होता है मेटा होता है आपका सेकेंड जब सिलोमो डक्ट इज ग्राफ्टेड ऑन टू द मेटा जब सिलोमो डक्ट है आपका uh, अभी फ्यूज़ नहीं हो रहे हैं ये आपकी यूनाइट हो रहे हैं फ्यूज़ का मतलब एकदम मिल जाना तो सिलोमोडक्ट क्या होता है जब आपस में यूनाइटेड हो जाता है विद मेटा तो ये जो इसका एग्ज़ाम्पल है हैशियोन है इसका एग्जाम्पल हैसी हाँ यही है हैशियोन है। है इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मिनट आपका मेटा का एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो हेयर इज़ यहाँ मैं जूम करती हूँ ये रहा आपका हाँ ये आपको मैंने बताया था ये आपका क्या है मेटा जो कि क्या होता है ये प्रोटोस्टोम होता है क्योंकि इसकी जो सिलोम में ओपनिंग होती है क्लोज नहीं होती ये ओपन होता है और ये आपका सिलोमोडक्ट है जब इस तरीके से आपस में ये देखिए गैप है बीच में ये पूरा पूरी तरीके से फ्यूज़ नहीं हो रहा है तो इस स्ट्रक्चर को ही कहा गया है हाँ मेटा नेफ्रोमिक्सियम ये वाला आपका होता है ये कंडीशन आपकी क्या होगी और ये पोर है दोनों की तरह काम करता है तो ये कंडीशन आपकी होगी मेटा नेफ्रोमिक्सियम ओके नेक्स्ट बात करते हैं हम मिग्जोनेफ्रीडियम uh, की बात करते हैं मिक्जोनफ्रीडियम क्या होता है अब बात होती है इसमें फ्यूज़ वाली जब क्या होती है सिलोमोडक्ट एंड मीडियम आर फ्यूज टू फॉर्म अ सिंपल कंपोजिट ऑर्गन उसमें यूनाइट हो रहे थे इसमें क्या होता है सिलोमोडक्ट और नफ्रीडियम जो है फ्यूज़ हो जाता है और क्या करता है एक सिंपल कंपोजिट ऑर्गन बनाता है एक अलग ऑर्गन बनाता है जिसका एग्जांपल है एरनिकोला एरिनकोला का एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं यस 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 दिस इज यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में इसमें देखिए इसमें गैप था इसमें गैप था बीच में इसमें गैप था लेकिन यहाँ देखिए ये यह वाला जो एग्जाम्पल है ये आपका है एरिन कोला में मिग्जोनेफरेडियम क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं फ्यूज होकर एक, 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 एक सेगमेंट ऑर्गन बना रहे हैं यानी यहाँ अलग है ये अलग है ठीक है ठीके? इसको ही कहते हैं मिक्जो नफ्रीडियम जब दोनों फ्यूज़ हो जाते हैं इसमें थोड़ा गैप था इसमें नहीं था तो ये आपका मिक्जो नेफ्री वो होता है मिक्जोनफ्रीडियम होता है जिसका एग्जाम्पल होता है एरिनकोला नेक्स्ट है आपका सिलिएटेड ऑर्गन सिलिएटेड ऑर्गन्स क्या होते हैं इन सम फॉर्म्स सिलोमेट इन सम फॉर्म्स यानी जो एनीलिट्स होते हैं सिलोमोडक्ट आर रिड्यूस सिलोमोडक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कम हो जाता है रिड्यूस हो जाता है एंड सिलिएटेड टू सिलेटेड ऑर्गन और रिड्यूस होकर सिलेटेड ऑर्गन बनाता इसका है इसका एग्जाम्पल है नरिस नरिस का एग्जाम्पल अगर देखने की बात करें तो इधर देख सकते हैं आप यस yes, यहाँ पे ये एग्ज़ाम्पल है जो आपका सिलोमोडक्ट है इसलिए ये आपका सिलोमोडक्ट सिलेटेड ऑर्गन बना रहा है अब ये सिलोमोडक्ट होके सिलेटेड ऑर्गन बना रहा है और देखिए अब ये जो आपका यहाँ पे ओपनिंग थी ये क्लोज हो गई है और सिलेटेड ऑर्गन बना रहा है क्योंकि आपका जो सिलोमोडक्ट है वो रिड्यूस हो गया है और ये आपका मेटानेफ्रीडियम है और यही आपका एग्जाम्पल है नेरिस का जिसे हम सिलेटेड ऑर्गन कहते हैं और यही आपके एग्जाम्पल्स है कुछ और भी आपको अगर इमेज दिखा दूँ मैं तो अगर रियल अगर आपको देखना है तो ये आपका ये आपका प्रोटोनफ्रीडिया होता है क्योंकि वो इस पर सोलनोसाइट्स बने हुए हैं और ये आपका क्या है ये आपका अगर मैं बात करूँ तो ये आपका सिलोमोडक्ट है क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग है और ये आपका ए, मिजोडर्मल ओरिजिन होता है और ये सोलनोसाइट्स होते हैं ये आपका आ, आपका नेफ्रीडियो नफरीडियो पोर होता है ये आपका जेनाइटल पोर इसका होता है सिलोमोडक्ट का ठीक है यहाँ पे देखिए तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको और भी कुछ एग्जांपल है यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्लैस ग्लिसरा और नफतीज़ में देखिए ये आपका प्रोटोनफ्रीडिया है और ये आपका आ, सिलेटेड ऑर्गन हो बन जा रहा है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है जो आपका सिलो मोडक्ट है वो आ, रिड्यूस होकर सिलिएटेड ऑर्गन बना रहा है और ये आपका क्या है ये एक ओपनिंग है इसमें कोई ओपनिंग नहीं सिलिएटेड ऑर्गन में एक्सटीरियर में कोई ओपनिंग नहीं है ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर आपकी प्रोटोनफ्रीडिया की बात करें तो इसमें होगा ये ओपनिंग ही कहलाती है आपकी ये ओपनिंग ही कहलाती है आपकी Sorry, just one minute. और बीच में थोड़ी प्रॉब्लम थी तो इसकी वजह से यहीं से कंटिन्यू करते हैं ये जो आपका है ये ओपनिंग नहीं होगी इसमें सिलेटेड ऑर्गन में लेकिन यहाँ पे तो आपका ओपनिंग होगा जिसे नफरीडियो नफरीडियो पोर कहते हैं और ये आपके सोलनो साइट्स होती हैं और यहाँ पे भी देख सकते हो, हो आप ये मेटा नफरीडिया है क्योंकि ये क्लोज्ड नहीं है इसलिए ये प्रोटो नहीं है ये मेटा नफ्रीडिया होता है और ये आपका जो ओपनिंग सिलोमो स्टोम होता है ये आपका सिलोमो डक्ट में ओपनिंग होती है जो कि सिलोम में होती है और ये आपका जेनाइटल पोर होता है ये आपका नेफरीडियो पोर होता है ठीक है ये आपका मेटा नफ्रीडिया था ठीक है इस तरीके से आपने देख लिया सारे ही एग्जांपल एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू